सो हे गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से माइनक्राफ्ट के और एक नई सीरीज के अंदर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने इस वाले वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया था और यहाँ पर थोड़ी खेती वगैरह भी किया था, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सब्जी वगैरह उगाया था। और जैसे कि देख सकते हो, हमारा सब्जी थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका है। और आप सभी लोगों को याद ही होगा कि मैंने यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर को भाई कैद करके रखा था, जिसको पकड़ने में भाई मेरा हालत खराब हो गया था। लेकिन अभी जब मैंने इस गेम को ऑन किया भाई, मैंने देखा कि यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर जो है वो डिस्पन हो चुका है और दो मुर्गा भाई यहाँ पर छोड़ के गया है। मतलब भाई मुझे उस टाइम इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मुझे समझ में नहीं रहा था मैं क्या करूं। मतलब कि उस ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ने के चक्कर में ना भाई मैं एक बार मर भी गया था, लेकिन जैसे तैसे करके उसको पकड़ तो लिया। लेकिन भाई अभी जाके यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पन हो चुका है और दो मुर्गा यहाँ पर छोड़ चुका है। भाई यहाँ पर अंडा भी दे दिया, मैं अंडा लेके क्या करूँ भाई? मैंने भाई कितना ज्यादा सोचा था कि ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर वगैरह करके ना मैं बाद में इनको विलेजर का काम दे दूंगा। लेकिन अभी भाई छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अभी भाई क्या ही कर सकते। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक शेयर बनाया और शेयर की मदद से इस वाले बकरी से ना भाई ऊल वगैरह कलेक्ट किया। और भाई सबसे पहले बकरी से ऊल कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अभी हो चुका है रात और रात को आ जाता है भाई ज़ॉम्बी, और मुझे ज़ॉम्बी से पंगा अभी बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास अभी हथियार वगैरह भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से एक बेड बनाया और बेड बना के यहाँ पर लगा के सो गया। Early the next morning. तो भाई अभी सुबह हो चुका और सुबह सुबह मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले चीजों को, मतलब ये जो घर बनाया था मैंने एक छोटा सा ज़ॉम्बी विलेजर के लिए, इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भाई यहाँ पर इस वाले चीज का कोई फायदा नहीं है। मतलब कि ज़ॉम्बी विलेजर तो अब यहाँ पर रहा नहीं, तो भाई इस वाले मकान का क्या फायदा? भाई इसको मैं मकान बोल रहा हूँ। ओके, तो ये मकान जैसा ही तो लग रहा है। क्या हुआ भाई, आप लोगों को एक प्यारा सा मकान जैसा नहीं लग रहा था? नहीं हाँ, मैंने तो अभी इसको तोड़ दिया, तो अभी भाई कैसा लगेगा? लेकिन पहले तो लग रहा था ना। अब छोड़ो उस बात को भाई, मैं इससे अच्छा बना भी नहीं सकता। ओके चलो, अभी कोई ना भाई, सबसे पहले इन मुर्गियों को आजाद कर देते। जा मुर्गिया जा, जी ले अपनी जिंदगी। और उसके बाद पता नहीं भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने सारे जानवरों को फिर से यहाँ पर लेके आ गया, जहाँ पर भाई माइनिंग करते इन जानवरों ने काफी परेशान कर दिया था, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया था। लेकिन फिर भी भाई सारे जानवरों को मैंने फिर से यहाँ पर लेके आ गया। देन मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग, मतलब माइनिंग की जगह को यहाँ पर गड्ढा करके ना थोड़ी बहुत वुडन का स्लैब लगा दिया था कि देखने में भी अच्छा लगे। तो फटाफट से यहाँ पर वुडन स्लैब लगा देते। और हाँ भाई, बातों बातों में तो एक चीज बताना भूल ही गया था, मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत एप के करके ना ट्री वगैरह कट करके चारों ओर फेंस लगा दिया था और अपने जानवरों के लिए अलग सा प्लेटफॉर्म बना दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जानवरों के लिए अलग सा प्लेटफॉर्म कब बनाया, चारों ओर फेंस कब लगाया? तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत एफके करके ट्री वगैरह कट किया था, देन मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत भाई फेंस लगा के इन जगहों को अपग्रेड किया था। और अभी मैं यहाँ पर भाई माइनिंग की जगह को ट्रैप डोर, चारों ओर ट्रैप डोर लगा के ना यहाँ पर भाई अगर मॉब वगैरह स्पॉन हो जाएगा तो वहां पर फंस जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चारों ओर ट्रैप डोर लगा दिया, ताकि भाई अगर यहाँ पर मॉब भी आ जाए ना, तो भाई अगर क्रीपर भी आ जाए ना भाई, क्रीपर ना कभी ब्लास्ट हो जाता है अचानक से, देन मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रैप डोर लगाया था कि क्रीपर यहाँ पर भाई फट ना सके। देन मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग किया और थोड़ा बहुत यहाँ पर कोबलस्टोन और थोड़ा बहुत आयरन वगैरह कलेक्ट करके, यहाँ पर रात हो चुका था इसलिए मैंने यहाँ पर सो गया बेड लगा के। और भाई अभी सुबह हो चुका था, तो मैंने सोचा भाई अभी क्या करा जाए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई अपने लिए एक कोबलस्टोन जनरेटर बना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत स्लैब वगैरह बना के ना अपने लिए प्लेटफॉर्म को और बड़ा किया और एक नया प्लेटफॉर्म बनाने लगा, ताकि वहाँ पर मैं अपना कोबलस्टोन जनरेटर बना सकूँ। तो फटाफट से मैंने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया। ऑलराइट, तो चारों ओर स्लैब लगने के बाद मैंने बीच में डर्ट लगाया। मैं यहाँ पर लकड़ियों का स्लैब भी लगा सकता था, लेकिन भाई मैंने यहाँ पर डर्ट लगाया। और डर्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पर कोबलस्टोन जनरेटर बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर लावा भी लगने वाला है। देन मैं अगर यहाँ पर लावा भाई बाई चांस यहाँ पर गिर गया ना, तो पूरा लकड़ी का प्लेटफॉर्म भाई जल के खाक हो जाएगा, इसलिए मैंने बीच में पूरा डर्ट लगा के फिल कर दिया, ताकि भाई हमारा प्लेटफॉर्म सेफ रहे। ओके, तो फटाफट से मैं यहाँ पर डर्ट लगा देता हूँ। ओके, तो भाई बीच में पूरा फील करने के बाद मैं यहाँ पर अभी भाई कोबलस्टोन जनरेटर बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए भाई मुझे कुछ सामान चाहिए जो कि अभी मुझे मेरे पास नहीं है। तो फटाफट से उन सामान के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। और भाई अभी यहाँ पर ना केव वाला फेज आ चुका है। ओके, तो भाई केव वाला फेज अभी आया भाई, और भाई बीच में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया, तो इसके लिए थोड़ी बहुत सीन मिस हो गया। मतलब कि केव वाला फेज अभी आया है भाई थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद, तो इसके लिए भाई सॉरी भाई थोड़ा बहुत सीन कट हो गया है, क्यों भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया था। ओके भाई, यहाँ पर एक मकड़ी आ चुका है, इसको पहले मार देते। और भाई इस मकड़ी को मारने के चक्कर में मेरा एक मुर्गा भी शहीद हो गया। ओके चलो कोई ना, तो यहाँ पर से फटाफट मैं इन चीज़ों को कलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मुझे ना भाई थोड़ा बहुत आयरन चाहिए, तो इसके लिए मैंने फटाफट से यहाँ पर आयरन वगैरह कलेक्ट करके ना कुछ आयरन भाई मेल भी कर दिया। और इसके लिए आयरन इसलिए मेल किया क्योंकि मुझे भाई अभी थोड़ा बहुत हॉपर चाहिए। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर आयरन मेल किया, और मेरे पास क्या क्या सामग्री है मैं देख लेता हूँ। ओके, तो फटाफट से और आयरन चाहिए मुझे, फटाफट से आयरन को मेल कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका है, तो इन ज़ॉम्बी को भी भाई मार देते।
और भाई काफी सारा जॉम्बी स्पॉन हो रहा था, तो इसके लिए मुझे टॉर्च चाहिए। ओके, तो यहाँ पर माइनिंग करते करते भाई मुझे बहुत सारा आयरन मिल रहा था, तो मैंने सारे आयरन को इकट्ठा कर लिया। और भाई मुझे डायमंड भी मिला था कुछ, तो डायमंड भी मैंने कलेक्ट कर लिया। ओके, तो फटाफट से माइनिंग कर लेते। और भाई यहाँ पर अभी आ चुका है सुपर चेस्ट, देख लेते भाई इसके अंदर क्या है। ओके भाई, इसके अंदर से भी एक डायमंड और कुछ गोल्डन का आर्मर मिला है। ओके चलो कोई ना, तो फटाफट से मैंने डायमंड कलेक्ट किया और गोल्डन आर्मर ये सब को कलेक्ट करके ना भाई अभी चेस में रख देते हैं, क्योंकि ये सब सारा सामान जो है ज़रूरी सामान है। ओके भाई, मुझे डायमंड भी मिला और एक डायमंड मिला और कुछ आयरन मिला। चलो चलो भाई, काम का सामान तो मिल रहा है। ओके, तो और आयरन मिल करने के बाद भी मुझे भाई काफ़ी सारा आयरन मिल चुका है, और मैंने काफ़ी सारा आयरन भाई चेस में भी रख दिया था, देख लेते। ओके, यहाँ पर नहीं है। ओके, तो भाई मैंने कहीं पर तो रखा है। ओके चलो, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम तक माइनिंग किया, और माइनिंग करते वक्त मुझे यहाँ पर लेपिस लुइस कुछ गोल्ड और डायमंड और ये सब भी मिल रहा था, और आयरन भी मिल रहा था भाई, काफ़ी सारा आयरन यहाँ पर मिल चुका है। तो फटाफट से मैंने इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैरल वाला फेस भी आने वाला है, लेकिन फटाफट से इन मकड़ी को भाई पहले मार देते भाई। एक तो इस मकड़ी को मारने के चक्कर में मेरा एक मुर्गा भी शायद हो गया था। ओके भाई, तो अभी ना यहाँ पर बैरल वाला फेस आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत फिर से माइनिंग किया, और भाई ये वाला फेस ना मुझे सबसे ज्यादा घटिया लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस वाले फेस को हटाने की कोशिश कर रहा था। भाई मुझे सबसे ज्यादा घटिया लगता है ये वाला फेस, पता नहीं क्यों पर अच्छा नहीं लगता। तो काफी टाइम तक माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिला, जिसके अंदर कुछ एमरल्ड्स और एक वाटर बकेट और कुछ जरूरी सामान वगैरह मिला, तो इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया। और फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग किया, और माइनिंग करते टाइम ही मैं बीच में फर्नेस की मदद से कुछ कोबलस्टोन को स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट किया, और उसकी मदद से कुछ स्टोन ब्रिक्स बनाया। और ये किस लिए बनाया आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, हाँ हाँ, कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सा सामान लिया आप लोग देख ही सकते हो, तो अभी बनाते एक प्यारा सा कोबलस्टोन जनरेटर। ओके, तो मुझे चेस्ट को कुछ इस तरह से लगाना है, और चार चेस्ट चाहिए हम लोगों को इस तरह से लगाना है। ओके, और एक चेस्ट यहाँ पर लगेगा, देन मुझे चाहिए हॉपर, चार हॉपर, और मैं भाई हॉपर लेके नहीं आया, तो फटाफट से हॉपर लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो मैं अभी हॉपर भी लेके आ चुका हूँ, और हॉपर को मुझे कुछ इस तरह से चेस के साइड में लगा देना है जहाँ पर ट्रेडर भैया खड़ा हुआ है, तो ट्रेडर भैया को यहाँ पर हटा देते। ओके, तो मुझे चेस के साइड में कुछ इस तरह से चार हॉपर को लगा देना है, चार चेस के साइड से। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हॉपर लगाने के बाद मुझे भाई यहाँ पर देखना है कि हॉपर ठीक से लगा कि नहीं, मेरे ख्याल से भाई हॉपर ठीक से लग चुका है। देन मुझे यहाँ पर कुछ स्टोन ब्रिक्स को इस तरह से लगा देना है, और स्टोन ब्रिक्स को आप लोगों को चेस के बीचों बीच इस तरह से लगा देना है, ठीक है, और सेम उसी तरह इस तरफ भी आप लोगों को वैसे ही लगा देना है चेस के बीचों बीच, और फिर से आप लोगों को स्टोन ब्रिक्स को कुछ इस तरह से लगा देना है, मतलब आप लोगों को दो लेयर बना देना है स्टोन ब्रिक्स का। ओके, तो भाई मैं फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ। ऑल राइट, तो इतना होने के बाद मुझे भाई यहाँ पर क्राउच होके कुछ स्टेयर्स को चेस के ऊपर लगा देना है कुछ इस तरह से, और अभी मुझे चाहिए चार वाटर बकेट। ओके, तो मेरे ख्याल से इन्वेंटरी में वाटर बकेट तो होगा ही, भाई सिर्फ एक लेके आओ, मुझे और तीन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक वाटर बकेट को फिल कर दिया, और मुझे तीन चाहिए। और भाई ये ट्रेडर भाई मुझे इस तरह से क्यों दिख रहा है? ओके, तो मैंने यहाँ पर तीन वाटर बकेट लेके आ गया हो, और भाई आप लोगों को तीन वाटर बकेट को कुछ इस तरह से फिल कर देना है। ओके, यहाँ पर दो, तीन और चार। ऑल राइट, तो इतना होने के बाद आप लोगों को और स्टोन ब्रिक्स का लेयर बना देना ऊपर से, ठीक है, इस तरह से। अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना तो भाई एक बार में समझ जाओगे कि कैसे इस वाले कोबलस्टोन जनरेटर को बनाना है। ओके, तो मैं जल्दी से यहाँ पर बना देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लावा बकेट को ले लेना है, और लावा बकेट आप लोगों को सिर्फ एक ही चाहिए। देन आपको लावा बकेट को यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है, और ये लो भाई बन चुका है आप लोगों का एक सिंपल सा लेकिन एफिशिएंट भाई कोबलस्टोन जनरेटर। ओके, देन आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है, और नीचे आने के बाद आप लोगों को दोनों साइड में एक साइड चुन लेना है कि आप लोगों को किस तरफ से माइनिंग करना है। ओके, तो भाई मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ इस वाले जगह से आप लोगों को माइनिंग करना है, मतलब कि दोनों साइड से आप लोग एक जगह पर माइनिंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप लोगों को सामने का वॉल तोड़ देना है, देन आपको यहाँ पर एक साइन बोर्ड ले लेना है, ठीक है, और साइन बोर्ड को सिंपली आप लोगों को कॉर्नर में लगा देना, और कोई सा भी एक नाम दे देना है। भाई मैं यहाँ पर कोई सा भी नाम दे दे रहा हूँ, आप लोगों को सिंपली एक नाम दे देना है। देन आपको यहाँ पर माइनिंग करना शुरू कर देना है, और ये लो भाई बन चुका है आप लोगों का एक कोबलस्टोन जनरेटर। और यहाँ पर भाई आप लोग काफी टाइम तक माइनिंग करने के बाद बहुत सारा कोबलस्टोन ले सकते हो। भाई मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही बार माइनिंग किया, और देख सकते हो मुझे यहाँ पर कोबलस्टोन मिलना शुरू हो चुका है। आप लोग भाई यहाँ पर काफी टाइम तक माइनिंग कर सकते हो और बहुत सारा कोबलस्टोन ले सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाला कोबलस्टोन जनरेटर कैसा लगा। मैं मिलता किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।